कार्यक्रम में मामा के घर आई नाबालिग का अपहरण कर राम प्रकाश चिकवा नाम के एक युवक ने दुष्कर्म किया। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को 4,000 के अर्थदंड के साथ 5 वर्ष की सजा सुनाई है। 2019 में एक नाबालिग अमरपाटन के ताला थाना क्षेत्र में अपने मामा के घर किसी कार्यक्रम में भाग लेने आई थी। कार्यक्रम के बाद जब वो वापस रीवा लौट रही थी, तभी राम प्रकाश चिकवा नाम के एक युवक ने रास्ते से उसका अपहरण कर सपना ले गया और शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार किया। परिजनों को जब इस बात का पता चला तो परिजनों ने ताला थाना में 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसकी सुनवाई 7 मार्च 2024 को हुई। सुनवाई में न्यायाधीश दीपक शर्मा की अदालत ने 2 आरोपियों पंकज यादव और दीपक चिकवा को बेइज्जत बरी करते हुए घटना के मुख्य आरोपी राम प्रकाश चिकवा को 4,000 रुपये के अर्थदंड के साथ 5 साल की सजा सुनाई। इसमें शासन बनाम राम प्रकाश चिकवा के नाम से ताला पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसमें 3 आरोपी थे, पंकज यादव, राम प्रकाश चिकवा और दीपक चिकवा। 2 आरोपियों की तरफ से मैं पैरवी कर रहा था, पंकज यादव और दीपक चिकवा की तरफ से। इनके ऊपर 363, 366 पास्को के सभी धाराएं, 341 सभी धाराएं लगी थी। चूँकि ताला पुलिस ने एक षड्यंत्र के तहत इन दोनों को आरोपी बनाया था, पंकज यादव और दीपक चिकवा को, हमारे आरोपियों को, हमको पूरा विश्वास था कि हम माननीय न्यायालय से निष्पक्ष न्याय की मांग करेंगे और हमने उसमें पूरी न्यायालय ने दिया, हमने पूरी ईमानदारी से अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखा। जो आज दिनांक को माननीय श्रीमान दीपक शर्मा जी की अदालत ने आरोपी पंकज यादव और दीपक चिकवा को बाइज्जत बरी कर दिया। शेष एक आरोपी था, उसमें उसको 5 साल की सजा दी गई और 4,000 रुपये लगभग जुर्माना हुआ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।